आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉरी, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है? तो थर्ड पार्ट में वो कहता है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, यानी एक बच्चा है रोहन और उसकी एज पता नहीं कितनी है, बट उसकी मदर जो है वो उससे 26 इयर्स ओल्डर है, यानी 26 इयर्स ज्यादा है, ठीक है? जैसे इमेजिन करिए, रोहन 10 साल का है तो उसकी मम्मी 36 की है, और अगर रोहन 20 साल का है तो उसकी मम्मी 46 है, ठीक है? यानी कि मैं एजम्पशन बता रहा हूं, बट हमें पता नहीं है कि उसकी करेंट एज क्या है, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि मम्मी की एज और रोहन की एज, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद रोहन की एज जो भी होगी और उसकी मम्मी की एज जो भी होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 360, ठीक है? तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें क्या काम करना है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। अब इसमें भी एक चीज नहीं गिवन, क्या? रोहन की प्रेजेंट एज, और जब कभी भी मैथ्स में कुछ गिवन नहीं होता तो उसे कंसीडर किया जाता है, और क्या कंसीडर करते हैं, एक्स। तो हम लिखेंगे, लेट्स कंसीडर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स इयर्स, ठीक है? क्योंकि वो भाई एक्स साल का ही होगा और उसकी मम्मी की एज जो है वो 26 साल उससे ज्यादा है, ठीक है? तो हम लिखेंगे, रोहन्स मदर्स एज कितनी है उससे 26 साल। तो भाई रोहन अगर एक्स साल का है तो उसकी मम्मी एक्स प्लस 26 साल की हो जाएंगी, ठीक है? अब उसने आगे क्वेश्चन में बोला कि 3 साल बाद, After 3 years, है ना? तो हम लिखेंगे after 3 years, 3 साल बाद भाई रोहन की एज भी बढ़ेगी और उसकी मम्मी की एज भी बढ़ेगी, तो हम लिखेंगे रोहन्स एज x प्लस 3 years, ठीक है? और क्योंकि मदर की एज भी बढ़ रही है तो रोहन्स मदर एज, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखना, आप लोग फुल में लिखना, ताकि आप टीचर जो है वो समझ सके कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। कई बार क्या होता है, हम शॉर्ट में तो लिख देंगे पर क्या होगा, टीचर को समझ ही नहीं आएगा तो पूरे के पूरे मार्क्स काट देंगे, और जब उन्होंने पूरे मार्क्स काट दिए तो हमारे लिखने का कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? तो जो रोहन की मदर की एज है वो हो जाएगी हमारी एक्स प्लस 26 प्लस 3 years, क्यों? क्योंकि भाई साहब रोहन की जब एज 3 साल बढ़ रही है तो उसकी मदर की एज भी 3 साल बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी अब x प्लस 29 years, ठीक है? लेकिन एक चीज उसने और भी बोली है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भाई साहब रोहन की एज है x प्लस 3 और उनकी मम्मी की एज है x प्लस 29, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 360। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और मैं पहले ही आपको क्वेश्चन में बता चुका हूं कि अगर ब्रैकेट में 2 नंबर्स हैं, चाहे 4 नंबर हो, हर एक नंबर की दूसरे ब्रैकेट वाले हर एक नंबर से मल्टीप्लीकेशन होती है, तो एक्स की एक्स से, एक्स की 29 से, 3 की x से, 3 की 29 से, तो x की मल्टीप्लाई x से बिकम x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 से बिकम 29x, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से, तो ये हो जाएगा 90 और ये 87 इक्वल्स टू 360। अब इस वैल्यू को उठा के इधर लेंगे, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये तो ये हो गया x स्क्वायर, और ये 29 और 3 प्लस करा तो 32x हो गया, और
7 माइनस 360 इक्वल टू जीरो, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से माइनस कराता हूँ हमने कितना आएगा, 10 में से 7 3, 15 में से 8 7, तो ये आ गया माइनस का 273 इक्वल टू जीरो। अभी इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करना और जो भी एक्स की वैल्यू आए वो इसमें पुट कर देना, तो रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी, और इसमें पुट करोगे तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज आ जाएगी। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ कमेंट जरूर करना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।